प्रबंधन जी, अब आपके आपसे मैं जानना चाहूंगी, देखिए होली से जुड़ी बहुत अच्छे तरीके से अरविंद शुक्ला जी ने एक्सप्लेन किया कि कब से शुरू होता है और कब तक ये पर्व पूरा चलता है, और हर दिन और हम कहें कि इस पूरे पर्व में जो एक महीने भर से ज़्यादा चलता है, हर एक दिन की अपनी अपनी एक कथा है, कोई ना कोई कथा इससे जुड़ी हुई है। अगर हम रंग पंचमी की बात करें तो इसकी क्या कथा है वो भी बताइए ज़रा हमें। नवजोत जी, जैसा कि शुक्ला जी कह रहे थे कि अलग अलग जगह की अलग अलग होली की परंपरा है। चूंकि मैं अयोध्या वासी हूँ और अयोध्या वासियों के हिसाब से जो होली की शुरुआत है वो आमल की एकादशी, जिसे रंगभरी एकादशी कही गई है, आपने देखा होगा या सुना होगा। उस दिन से हनुमानगढ़ी के जितने नागा संत हैं उस दिन पंचकोसी परिक्रमा करते हैं, हनुमान जी की निशानी निकलती है और प्रत्येक मंदिर जा जा करके होली खेलने का वो निमंत्रण देते हैं। उसी दिन से होली का प्रारंभ होता है। और अयोध्या की एक परंपरा और है जो शायद दर्शकों को नहीं पता होगा, मैं आपके माध्यम से दर्शकों को बता दूं कि अयोध्या में भगवान श्री राघवेंद्र ने एक कोतवाल नियुक्त किया था, और वो कोतवाल थे जिनका नाम था मतगयंद जी। और मतगयंद जी कौन है? विभीषण जी महाराज के पुत्र हैं, लंकापति रावण के भ्राता विभीषण के वो पुत्र हैं और अयोध्या के वो कोतवाल माने गए हैं। कोतवाल उनको नियुक्त किया गया है। उसके बाद होली के बाद जो मंगलवार आता है, उस मंगलवार के दिन अयोध्या में एक बहुत धूमधाम से होली मनाई जाती है। वहां पर एक मतगयंद, जिसे आज हम लोग अपभ्रंश में लोगों ने उसे मात गैड़ चौराहा कहना शुरू कर दिया है, वहां पर मतगयंद जी का एक विशाल मंदिर है। और वहां पर पूरे अयोध्या वासी के साथ साथ अगल बगल के जो लोग होते हैं जी वो सब इकट्ठा होते हैं। और एक परंपरा वहां और है, जो कच्चा चना है वो कच्चा चना उन्हें भोग लगाया जाता है। और ये एक परंपरा ऐसी भी मानी गई है कि उस दिन अयोध्या के लोगों का उपस्थिति दर्ज किया जाता है। जैसे विद्यालय में शिक्षक विद्यार्थी के सामने रजिस्टर लेकर के वहां पर पूछते हैं कि कौन कौन है और कौन कौन नहीं है। अटेंडेंस जिस जैसे समय ली जाती उपस्थित है। जी, अटेंडेंस, तो जिस समय अटेंडेंस ली जा रही है, अगर विद्यालय में उपस्थित है कोई विद्यार्थी तो छात्र हाथ उठा के कहता है कि उपस्थित हो हम। उसी तरह से मंगलवार के दिन अयोध्या में जो उपस्थित हो गया, जाकर के मतगेंद्र जी के सामने दर्शन कर लिया, उसे एक वर्ष अयोध्या निवास का पुण्य प्राप्त हो जाता है। जी इसलिए अयोध्या में कोई किसी दिन रहे या नहीं रहे, उस दिन जरूर अयोध्या वासी वहां रहते हैं बिल्कुल। ताकि उनका एक वर्ष के लिए उपस्थिति दर्ज हो जावे। और अयोध्या में धूमधाम से होली उत्सव मनाया बिल्कुल, जाता है चलिए और लौटती हूँ रंग आपके भरी पास। एकादशी। लेकिन प्रभंजनन जी, अलग अलग जगहों पर अगर हम जाएं, खास तौर पर अगर हम देखें तो रंग पंचमी से क्योंकि शुरुआत होती है, और एक तरीके से देखा जाए मध्य भारत में सबसे ज्यादा ये त्योहार जो है वो मनाया जाता है, क्या क्या परंपराएं वहां की रहती हैं? ये तो आपने अभी तक अयोध्या की परंपरा बताई है। नवजोत जी, एक निवेदन मैं करूंगा दर्शकों के बीच में आपके माध्यम से, जी हमारे यहाँ जो भी त्योहार है या व्रत है उसका तात्पर्य है, व्रत का मतलब होता है ब्रह्म में रत होने का नाम है व्रत, उत्सव का मतलब है परमात्मा के निकटता होने का नाम है उत्सव। जो भी हम दशहरा मना लें, दीपोत्सव मना लें या रंगोत्सव मना लें, यहाँ यह देखें कि सब में पूजन की परंपरा है। जो हमारे आचार्यों ने परंपराएं निर्मित की है, निर्माण किया है, उस परंपरा के अनुसार हम सब यहाँ पर कोई भी उत्सव मना रहे हैं। बिल्कुल और सबसे पहली बात है कि पूजा सात्विकता का भाव हमारे हृदय में भर जावे। रंगोत्सव का तात्पर्य अभी चंद्रांशु जी भी कह रहे थे, भेदभाव ऊंच नीच सब एक रंग में रंग जावे। और मुझे लगता है होली का तात्पर्य है होली, होली यानी किसी के हो लिए। अब किसके हो लिए? तो किसी और के नहीं, दुनिया के नहीं, बल्कि परमात्मा को का हो लिए, इसी लिए इसका नाम ही है होली। जी हम लोग रंगोत्सव कहते हैं यानी हम परमात्मा के हो चुके हैं। और यहाँ पर भक्त को जलाने की, भक्त को सताने की और भक्त को परेशान की करने की जो प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति का नाम ही है होलिका। बिल्कुल अगर कोई होलिका की प्रवृत्ति वाली जो भक्तों को परेशान कर रही है, सता रही है, रुला रही है, तो परमात्मा की कृपा ऐसी होती है
कि वो होलिका की जो प्रवृत्ति है वो अपने आप उसको वरदान मिला हुआ था कि वो अग्नि में नहीं जलेगी। अब आप यह सोचें कि उसको अगर वरदान मिला हुआ था कि वो किस आग में नहीं जल सकती है, तो फिर प्रहलाद को वो जलाने के लिए गई तो प्रहलाद तो नहीं जले, जी लेकिन वो होलिका खुद जल गई। इसके लिए मैं एक कथा एक आती है, हनुमान जी महाराज ने जब लंका जलाने के पश्चात सीता जी के चरणों में जाकर के प्रणाम किया हाँ और कहा माँ मुझे आदेश दें, मैं प्रभु के पास जाने वाला हूँ, तो हनुमान जी से पूछा से सीता जी ने, किशोरी जी ने, कि हनुमान एक बात बताओ, तुम कोई जादूगर हो क्या, कोई जादू तुम्हारे अंदर भरा है क्या, क्यों? बोले लंका जला के जली नहीं, हनुमंत विचित्र है पूछ तुम्हारी, कौन सा जादू भरा इसमें, हसी पूछत है मिथिलेश दुलारी। तो हनुमान जी ने मुस्कुरा करके कहा माता जी मेरा भी एक प्रश्न है, जी और प्रश्न यह है कि आप तो नकली रूप में यहाँ पे हो, असली रूप में आप कहाँ हो? तो माता जी ने मुस्कुरा के कहा कि मैं अग्नि में हूँ प्रभु के आदेश पर। तो हनुमान जी ने पूछा माता जी मैं तो कुछ मिनट के लिए गया था अग्नि में, आप तो लगातार अग्नि में रह रही हो, आप क्यों नहीं जल रही हो? तो सीता जी ने कहा कि मेरे ऊपर प्रभु ने एक सुरक्षा कवच प्रदान किया है, और जी वो सुरक्षा कवच कौन सा है, जब ही राम सब कहा बखानी तो प्रभु पद ही धरी अनल समानी, यानी भगवान के श्री चरणों को अपने हृदय में धारण करके जी सीता जी अग्नि में प्रवेश कर गई। तो सीता जी ने कहा मेरे हृदय में प्रभु का चरण कमल है इसलिए मैं जली नहीं। हनुमान जी ने कहा माता जी वही वाली जैकेट आपने मुझे प्रदान कर दिया था जब मैं जाने लगा था वाटिका में, तो आपने आदेश देकर के क्या कहा, देख बुद्धि बल निपुण कपि कहु जान की जाहु, रघुपति चरण हृदय धरी तात मधुर फल खाहु, बिल्कुल यानी रघुपति के चरण को हृदय में धारण करके आप जाकर के फल खाओ। तो कहने का तात्पर्य है कि जो अपने हृदय में भगवान को पधराते हैं, भगवान के श्री चरणों को पधराते हैं, दुनिया की अग्नि उन्हें जला नहीं पाती है, बिल्कुल बिल्कुल और भक्त प्रभंजनानंद जी प्रहलाद ने यही किया था, भगवान बिल्कुल। के श्री चरणों को अपने में रखा था हृदय होली के में, रंग तो हम और आप भगवान नहीं जले। सभी। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।